हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर जिला जयपुर के बगरू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट बनाकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग से सरगना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18,52,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी भोले भाले लोगों को रुपए दुगुना करने का लालच देकर ठगी करते थे। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम को बगरू इलाके में रकम दुगुनी करने का लालच देकर नकली नोट देने वाली गैंग के बगरू में होने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस धमीकला के पास पहुंची तो मौके पर एक कार में 5 जने बैठे मिले। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में नकली रुपयों पर काला रंग किए हुए 500-500 के कुल 3,705 नोट मिले। इस पर पुलिस ने कार, नकली नोट व उपकरणों को जब्त किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आरोपी नकली नोटों को केमिकल से काला कर देते हैं। इसके बाद लोगों रुपए डबल करने का लालच देते थे। डेमो के रूप में असली नोट पर केमिकल से काला करने के बाद टिंचर डालकर साफ कर बेवकूफ बना देते थे। आरोपियों ने पिछले 4 साल में 14 से अधिक ठगी को वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नोट दुगना कर नकली नोटों को देखकर दुगना करने के गिरोह के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस पर हमने आसूचना संकलन किया और हमारी स्पेशल टीम को उसमें लगाया, तो कल शनिवार को हमको इसमें सफलता मिली और हमने नकली नोटों की एक बड़ी खेप 18,52,000 रुपये के साथ में 5 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और नकली नोट बनाने की सामग्री भी हमने जब्त की है। किस तरह से ये लोग ठगी करते थे? ये लोग पहले फोटोकॉपी करके नकली नोट तैयार करते हैं, उसकी गड्डियां तैयार करते हैं। गड्डियां तैयार करने के बाद में ये भोले भाले लोगों को पार्टियों को ढूंढते जो नोट डबल होने के चांसेस में आ जाती है, जैसे 1,00,000 के 2,00,000 देंगे हम, 2 के 4 देंगे, इस तरह से करके। तो फिर ये लोग कहते हैं आप उस जगह पे आप पैसे लेके आ जाओ। जब वो लोग पैसे लेके आते तो ये नकली नोट उनको थमा देते हैं, असली नोट लेके ये लोग फरार हो जाते हैं। ऐसा कोई पीड़ित पुलिस के सामने है जिसके साथ इस प्रकार की ठगी हुई हो? इनकी करीब 10-11 वारदातें इन्होंने खुद ने कबूल की है। जैसे जैसे क्योंकि इसमें क्या होता है कि पीड़ित एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उनको ये लोग कहते हैं कि पुलिस आ गई है अगर नकली नोट करता आप ही गिरफ्तार हो सकते हो उसमें। इसलिए इनकी रजिस्टर वारदातें नहीं है, लेकिन और एक तो जगह परिवार में कहीं होगा तो वो सामने आ जाएगा।